इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य होंगे। आज बंगाल और असम के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा और मुहर लगेगी। दिल्ली में अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी थे। इसके अलावा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी भी नड्डा के घर बैठक में शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने तय किया है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। अगर शुभेंदु के नंदीग्राम से लड़ने पर मुहर लगती है तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टक्कर होगी, क्योंकि ममता ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। ताजमहल में आज बम की झूठी अफवाह से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने ताजमहल के सारे गेट बंद करा दिए। बाद में बम की यह खबर झूठी निकली और तलाशी के बाद ताजमहल को फिर से खोल दिया गया। ताजमहल में बम होने की कॉल आते ही सीआईएसएफ ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया। इस वजह से पर्यटकों और सीआईएसएफ के बीच नोकझोंक हुई। किसी ने पुलिस को ताजमहल में बम होने की सूचना दी और पुलिस के आला अधिकारी तुरंत ताजमहल के बाहर पहुंच गए। ताजमहल के दोनों गेट बंद कर दिए गए। फिरोजाबाद के लड़के ने ये कॉल की थी और कॉलर के नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली। केजरीवाल को कोविड शील्ड वैक्सीन लगाई गई। उनके माता पिता को भी वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 साल है और वो लंबे समय से डायबिटीज से परेशान है, इसीलिए उन्हें भी वैक्सीन दी गई। वैक्सीन लगवाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और सभी से अपील करता हूं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं वो जरूर टीका लगवाएं। मैंने और मेरे माता पिता दोनों ने LNJP में वैक्सीन लगवाया है और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने हम सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कोरोना से छुटकारा देने के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। जो जो लोग एलिजिबल हैं वो सब लोग आगे आके वैक्सीन लगवाएं। यहाँ LNJP में भी बहुत अच्छी सुविधा है, सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो सब लोग वैक्सीन लगवाएं, इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। पहले जो कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो सब शंकाएं खत्म हो चुकी हैं। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स का जो एक्शन हुआ उसमें भी विपक्ष ने सियासत का एंगल ढूंढ निकाला है। बुधवार को टैक्स चोरी के आरोप में अनुराग, तापसी समेत कई हस्तियों पर IT रेड हुई जो अब तक जारी है। मुंबई से पुणे तक करीब 30 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इस मामले में कल अनुराग और तापसी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन IT के इस एक्शन से विपक्ष सबसे ज्यादा परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के चलते उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। बुधवार की सुबह जो इनकम टैक्स की रेड फैंटम फिल्म प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और मधु मंटाना के ऑफिस पे पड़नी शुरू हुई थी, उसका सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। करीबन 22 से 30 जगहों पर मुंबई और पुणे में अलग अलग ठिकानों पे IT की रेड पड़ी है। वेस्ट इंडीज के कप्तान केरॉन पोलार्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले T20 में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। इसी के साथ पोलार्ड ने युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। युवराज सिंह ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था। श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय के एक ओवर में पोलार्ड ने 6 छक्के जड़े। पोलार्ड ने पारी के 6ठे ओवर में 6 छक्के जड़े, इस क्लब में अपना नाम भी लिखवा दिया। कप्तान की इस तूफानी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के 132 रनों के लक्ष्य को 41 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज ने ये मैच 4 विकेट से जीता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।